जैसा आप सब अवगत है कि प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हो गई और उसका परीक्षा फल भी घोषित कर दिया गया है और उसके आधार पर चयन पत्र भी जिलों में राज्य स्तर पर भी दिया गया है। अब हम लोग द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रति परीक्षा फल भी घोषित, मैं अनुरोध करूंगा कि आप बता दें। जैसा आप सब अवगत है कि प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हो गई और उसका परीक्षा फल भी घोषित कर दिया गया है और उसके आधार पर चयन पत्र भी जिलों में राज्य स्तर पर भी दिया गया है। अब हम लोग द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए हैं और उसका नोटिफिकेशन आज भी जारी होगा और उसका डिटेल्स मैं बता देता हूँ कि इसमें द्वितीय चरण में दो कैटेगरी का शिक्षकों की नियुक्ति होना है। एक तो शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राप्त अधियाचना है उसके आलोक में नियुक्ति होगी और दूसरा है कि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वैकेंसी प्राप्त हुई है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसको भी इसमें ऐड कर लिया गया है क्योंकि दोनों सेम नेचर का एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसलिए एक ही वैकेंसी के साथ दोनों को ऐड किया हुआ है एक ही नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ शिक्षा विभाग द्वारा जो अधियाचना प्राप्त हुई है उस मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी प्राप्त हुई है उसमें प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित होंगे 6 से 8 तक के लिए, उसमें कुल पदों की संख्या है 234। माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित TGT जिसको कहते हैं 9-10 के लिए उसकी कुल संख्या है 248। उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 11-12 के लिए उनकी संख्या कुल है 403 और प्रधानाध्यापकों के लिए भी पद प्राप्त हुआ है 31। इसकी परीक्षा एक साथ होगी अलग अलग कैटेगरी में। परीक्षा का जो पैटर्न है जो उसका सिलेबस तो डिटेल्स हम लोग वैकेंसी में डाल देंगे नोटिफिकेशन में, सारा डिटेल्स रहेगा कि किस स्तर का होगा कौन सा विषय होगा इस सभी विषयों का उल्लेख किया रहेगा। लेकिन समरी यही है कि परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा। इसमें भाग वन में होगा भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी संख्या 30 नंबर का 30 सवाल होगा। सामान्य अध्ययन भाग दो होगा वो 40 नंबर का होगा और विषय जिस विषय के वो शिक्षक बनेंगे उस विषय से सवाल 80 नंबर का होगा भाग तीन में। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि भाषा सामान्य अध्ययन और विषय भाग तीन एक ही प्रश्न पत्र एक ही बुकलेट में रहेंगे, लेकिन पहला जो भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा रेस्ट सब्जेक्ट पर, बहुत इसमें क्लियर कर देना है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था प्रथम चरण में उसमें भाषा की परीक्षा अलग से हुई थी, हालांकि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही था लेकिन उसका पेपर अलग था, इस बार एक ही बुकलेट में सम्मिलित कर दिया गया। टोटल टाइमिंग पहले 2 घंटा था, इस बार 2.5 घंटे कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। निबंधन और फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि 5/11 से 14/11 विलंब शुल्क के साथ। निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगी, 3 दिन और बढ़ा दिए हम लोग नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023, मतलब ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होगा लेकिन फॉर्म भरने का जो एक्चुअल होगा वो 10/11 से सिस्टम ऑन हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें यह नोट करना बहुत जरूरी है इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन लेकर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, रिजल्ट निकालना है टाइमली, तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो ही करना है 25/11 के अंदर ही करना है, यही इसका मुख्य बिंदु है। और सर नोट हुआ कि डिटेल्स इसमें मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूंगा। पहली बात कि TRE 1 में जो भी हम लोगों ने अनुभव किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कर कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो यह हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े, काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है, मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150 जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के और ऊपर भाग एक होगा, भाग दो होगा वही फिर से 40 और 80 का जैसे पिछले बार था। और इसके इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो खैर परीक्षा होगी लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम था, तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूंकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है इसलिए टोटल फुल मार्क्स पे 120 नंबर ही होंगे जो
भाग दो एंड भाग तीन को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग तीन का जो होगा उसका जिसका ज्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे, और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज्यादा नंबर आएगा वो सेकेंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा, और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा, और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे, टोटल 30 का रहेगा लेकिन 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे 120 वो पूर्ववत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसी वही पैटर्न रहेगा वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफकोर्स उससे ज़्यादा रहेगा, स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो TRE1 के जो अवशेष रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज ना करें कि TRE1 के जो अवशेष रिक्तियां वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे, और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड टू में जाएगा, मतलब TRE2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि STET की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियां ज्यादा थी, इसे स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था, तो वो रिक्ति जब खाली है तो वो रिक्ति TRE2 में आ जाने की संभावना है, और उस पर जब जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि घट बढ़ सकता है उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से या चूंकि वो टेक सैवी नहीं थे या साइबर कैफे की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं, उसके कारण से कई चीज़ हमारी कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है और उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है, और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उसके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे, तो कैसे उसकी जाँच की जा सकेगी अगर बार बार अगर परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफे से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सब को देख इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो के दो चरण में ले रहे हैं, पहले हम निबंधन करवा रहे हैं और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं, और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए, और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें, और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है, और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है, वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप लेकर के आ जाएं, और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का आपको अवसर रहेगा, लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा, और दूसरा कि इसके अलावे कोई नया अवसर नहीं दिया जाएगा, मतलब कि परीक्षा हो जाने के बाद या कभी कोई आकर के बोलेंगे कि हमको हमसे ये गलती हो गई सॉरी। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि अभ्यर्थी ज़्यादा सीरियस होंगे, अनुभव भी उन्होंने हासिल कर लिया पहले राउंड के से, हम लोगों ने भी उससे कुछ सबक लिया, तो इसलिए इस बार जो लास्ट डेट है 25 नवंबर आवेदन जमा करने का, मतलब कि उसके साथ अपने सारे दस्तावेज वगैरह सब जो प्रमाण पत्र देने हैं वो बेशक उस 25 नवंबर के बीच में वो जितनी बार चाहे अपना करते रहे उसको बदल सकते हैं, लेकिन उनको वो दस्तावेज उसके बाद परिवर्तन करने का सुधार करने का कोई भी प्रविष्टि सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये अंतिम समय रहेगा और इसको अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा, वो अपनी तारीख उसी हिसाब से करेंगे। वो मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि अगर किसी को अगर लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है तो वो
समय रहते अगर उसको पता चल जाता है और उसने अगर सब कुछ कर दिया, जमा कर दिया है, उसको लगता है कि त्रुटि रह गई है और उसके पास समय है, तो वो नया फॉर्म भर ले। लेकिन पुराने गलत फॉर्म पर वो अगर परीक्षा दे देगा और बाद में बोलेगा कि हमारे पास नहीं आ सका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी असफल या अनुपस्थित भी अगर रह गए तो वो हम लोग उसको कदाचार मानेंगे, क्योंकि हम लोग कई बार अवसर देते रहते ही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर एक बार नहीं आ सका, दूसरे बार आइए, तीसरे बार आइए। लेकिन अगर कोई अगर जानबूझ करके अगर किसी पर्टिकुलर मंशा से अगर उसने परीक्षा दिया है, उसको नौकरी पाने की मंशा नहीं है, किसी को मदद पहुंचाने की मंशा से उसने सिर्फ परीक्षा दिया है, तो स्वाभाविक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग छांटेंगे, ऐसे लोग कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि वो अगर गलती हो गई है उनसे और उनको समय नहीं है सुधार करने का, तो वो परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा में भाग लें तो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ भाग लेंगे कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं, क्योंकि अगर गलत पाए जाने पर कदाचार के दोषी मानते हुए उनको आगे की परीक्षाओं के लिए निवार कर दिया जाएगा। एक और ये है कि इस बार हम लोगों ने कैंडिडेट को, चूंकि हम मानते हैं कि इसके जो अभ्यर्थी हैं उतने अनुभवी नहीं थे, अमूमन हमारे जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ज़्यादा इस मामले में अनुभवी हैं, इसलिए OMR में वो अपने रोल नंबर, सीरीज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखने में गलती नहीं करते हैं, प्रायः नहीं करते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने गलती किया, और उस गलती को पहचानने और उसको चिन्हित करने कि भाई ये OMR किस कैंडिडेट का है, उसका रोल नंबर ही गलत है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के हिसाब से हम लोगों ने उसमें कोशिश किया कि उसको चिन्हित कर सकें। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, मैनुअल कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल प्रयास करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए, कुछ छूट भी जाए, और अनावश्यक उसके कारण से सभी लोगों का विलंब भी होता है, काफ़ी कठिनाई हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज पर भी काफ़ी दबाव पड़ जाता है। अगर हमको सीरीज की गलती अगर हो गई तो हम उसको मतलब चाचा तरह से अगर हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे, चारों सीरीज में रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद वो सुविधा देंगे, तो उसमें हमारे काफ़ी रिसोर्सेज लग जाते हैं, काफ़ी विलंब होता है, काफ़ी कठिनाई होती है। कई मामलों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों ने गलत कर दिया, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था उसको चेक करने का, तो कई लोग का हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि हमने इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से एग्जाम दिया और हमको ज़्यादा नंबर आ रहा है अपने आंसर की को देख करके, और उनको हो सकता है कि उसमें काफ़ी कम नंबर आया क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर बैठे हूँ। मैंने भी कुछ लोगों का देखा, आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा कि कुछ लोग अपना दिखा रहे हैं कि मुझे हाई स्कूल में तो हमें अच्छा 50-60 नंबर आ गए और हायर सेकेंडरी वाले में मात्र 19 ही नंबर आ गए। तो अब अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के और इस तरह की कोई गलती कर देता है तो स्वाभाविक है कि उसको नंबर तो बहुत खराब आ जाएगा फिर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई सुधार हम नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ गोला बैठाना था, कोई और चीज़ नहीं लिखना नहीं था। अगर गोला ही गलत बैठा दिया उसने तो गलत हो गया उसके बाद, और तो कुछ लिखा नहीं था उसमें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, या भाषा में भी इस तरह से लोगों ने गलती किया, भाषा जो गोला बैठाया वो कुछ और है और कुछ दे रहा है कुछ और है, तो इस तरह के गलतियों को हम लोगों ने कहा कि इस बार हमें काफ़ी कठिनाई आई उसको छांटने में, उसको देखने में, चेक करने में। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, और मैं पहले से आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे चेकिंग करने का। अगर वो सिस्टम अगर उसको नहीं चेक कर रहा है तो नहीं कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने एक उपाय ये भी सोचा ताकि अभ्यर्थी भी वहाँ पर गलती न करें, हम लोग आवेदन लेते समय ही ये सूचना ले रहे हैं